Student, once again welcome to all of you to the Vishak Academy online classes. Today in this session we understand about the private income, personal income and national and personal disposable income. First of all, we should be understand about the private income. What it means, the private income? Private income refers to that income which is occurs in the private sectors from the all sources, both in the domestic territory as well as rest of the world. It is the income of the all the private enterprises and household in which the private sectors from whatever the sources either earned or unearned. It includes the both factor income and transfer income. कि जब हम प्राइवेट इनकम की बात करते हैं तो हमारे पास जितने भी सोर्सेस है ऑल द सोर्सेस व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट सेक्टर इट्स रिप्रेजेंटिंग ऑल द सोर्सेस बोथ डोमेस्टिक एंड एज वेल एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि हमारे अपनी कंट्री में और हमारी अपनी कंट्री से बाहर भी तो उससे होने वाली जितनी भी इनकम होती है वो किस चीज को रिपोर्ट कर किसको होती है द प्राइवेट एंटरप्राइजेस को एंड द प्राइवेट हाउस होल्ड्स को इन सेक्टर्स को जो होती है वो होती है हमारी प्राइवेट इनकम. वंस अगेन इट्स रेफर्स टू दैट इनकम विच अकर टू द प्राइवेट सेक्टर्स फ्रॉम ऑल सोर्सेस बोथ विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. कहते ये उस इनकम को रेफर करती है जो प्राइवेट सेक्टर से अपर किए जाते हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी में हो या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी दोनों के सेक्शन में से जो भी इनकम आती है प्राइवेट सेक्टर्स को वो क्या करती है प्राइवेट इनकम को रिप्रेजेंट करती है. और ये भी कहता है इट इज द इनकम ऑफ ऑल प्राइवेट इंटरप्राइजेस एंड हाउस होल्ड. ये जो इनकम होती है वो सारे प्राइवेट इंटरप्राइजेस और हाउस होल्ड की होती है इन द प्राइवेट सेक्टर्स फ्रॉम whatever the sources either earned or unearned. कहता है कि किस पे private sectors में जिस भी sources से उसको earn किया गया हो या अभी earn करना बाकी वो earn नहीं किया गया हो. और इसमें दोनों factor income भी involved होता है और transfer income भी involved होता है. factor income का sense होता है first of all we should be understand about the factor income. तो ये वो income होता है जिसके लिए हम कुछ practice करते हैं कुछ activities को maintain करते should be participate in the economical activities. But when we are talking about the transfer income, as I told you that it is that income which we received as a scholarship, subsidy and donation. ये दोनों income मिलकर क्या करते हैं हमारे private income को represent करते हैं. इसको हम formula के through भी when we are preparing the formula we should understand in this way. Private income is equal to the income earned by the private sectors in the domestic product plus net factor income from abroad plus current transfer income from government plus net current transfer income from rest of the world at the interest on the national debts. Interest on the national debts, when we talk about this, तो हम जो दूसरे countries को पैसे देते हैं private sectors के through वो उसके थ्रू जो हमें मिलने वाला इंटरेस्ट होता है वो हम इसमें अपने प्राइवेट इनकम में इन्वॉल्व करते हैं. आगे हम बात करेंगे पर्सनल इनकम की. नाउ वी आर अंडरस्टैंड अबाउट द पर्सनल इनकम व्हाट इट्स मीन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग ऑफ पर्सनल इनकम. इट इज द इनकम एक्चुअली रिसीव बाय एन इंडिविजुअल एंड हाउस. ये वो इनकम होती है जो एक्चुअली वास्तव में जो होता है रिसीव किया जाता है एक इंडिविजुअल और एक हाउस होल्ड के थ्रू. जैसे मैं जो रिसीव करूं दैट्स माय पर्सनल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ द फैक्टर इनकम एंड द करंट ट्रांसफर. और फैक्टर इनकम जैसे मैंने आपको बताया कि जिसके लिए हम काम करते हैं जिससे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं उस इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो हमें रिसीव हो रहा है दैट इनकम विच वी रिसीव फ्रॉम दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड दैट आर सोर्सेस थ्रू विच वी आर getting the transfer income like a scholarship, like a donation. Then both one is my personal income.
when we are including the both one, that income which we are receiving from the factor income and which we are receiving from the transfer income, the both are, when we are plus that both income, that is representing a personal income or an individual income. Personal income is always less than national income. ये जब भी होता है वो क्या होता है, national income से मिस्टर कमल का होता है. क्यों? Because the factor of production do not get the income which is generated by them. Factor of production do not get the income. वो जो factor of production तो वो income को get नहीं, उसको उनको receive नहीं करता और ना ही जिसके through वो generate होते हैं. जैसे अगर हम बात करते हैं मेरी personal income की बात कर लो, तो मैं जो भी earn करता हूँ that's my income, personal income. But थ्रू विच जहां भी मैं काम करता हूं उसके थ्रू जो भी इनकम लोग जनरेट कर रहे हैं, जो भी इनकम वो अर्न कर रहे हैं, बोथ आर द डिफरेंट. ठीक इसी तरीके से हम जो काम कर रहे हैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काम कर रहे हैं और हमारे थ्रू जो नेशनल कैलकुलेटर कर रहा है, वो दोनों की इनकम में बहुत बड़ा डिफरेंसेस होता है. इन द सिंपल सेंस वी शुड बी अंडरस्टैंड दैट अ वैल्यू विच इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड और द इंडिविजुअल इज नोन एज पर्सनल इनकम. थ्रू द फॉर्मूला वी शुड बी अंडरस्टैंड इन द इजी वे. Personal income is equal to national income minus corporate tax minus undistributed corporate profit minus social security's contribution plus transfer payment. अगर हम देखें तो national income में से हमें corporate tax जो pay करते हैं उसको minus कर दें, undistributed corporate profit जो होता है उसको minus करें, कैसे profit जिसको भी distribute नहीं किया उसको minus कर दें, social सिक्योरिटीज में जो कंट्रीब्यूशन होता है फॉर द पर्पज ऑफ सोसाइटीज टू मेंटेन द सोसाइटी, तो उसके जो भी एक्सपेंसिस होता है उसको भी माइनस कर दे, एंड शुड बी प्लस द ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट, दैट इज रिप्रेजेंटिंग अवर नेशनल सॉरी अवर पर्सनल इनकम. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. पर्सनल डिस्पोजेबल एज वी अंडरस्टैंड अबाउट द पर्सनल इनकम and the second things, personal disposable. Disposable that are things which we can dispose of. जैसे क्या होता है हमारे पास कुछ इनकम होती है तो सारी इनकम को हम सेव नहीं करते और सारी इनकम को हम कंज्यूम भी नहीं करते. कुछ इनकम सही है हम एक्सपेंसिस के रूप में यूज करते हैं तो कुछ नहीं की फीस वगैरह के रूप में यूज करते हैं. पर्सनल यू अंडरस्टैंड अबाउट द एंटायर पर्सन इनकम, पर्सनल इनकम, एंटायर पर्सनल इनकम रिसीव बाय द हाउस होल्ड एंड इंडिविजुअल इज नॉट अवेलेबल टू देम एज डिस्पोजेबल इनकम. यानी कि अगर पूरी इनकम की बात करें तो वो डिस्पोजेबल इनकम के रूप में अवेलेबल नहीं होती, हम सारे पैसे को खर्च नहीं करते. अ पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम इज स्पेंट बाय द हाउस होल्ड एंड इंडिविजुअल टू द गवर्नमेंट. अब क्या करते हैं, कुछ पैसों को अपनी इनकम के कुछ हिस्से को क्या करते हैं, वी शुड बी पे टू द गवर्नमेंट एज डायरेक्ट टैक्सेस, फाइन्स, फीस एक्सेट्रा. हम फाइन फीस टैक्सेस के रूप में पे करने का काम करते हैं. विच बिकम्स द मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट पे क्या होती है, मिसलेनियस रिसिप्ट होती है. मिसलेनियस रिसिप्ट का फेस ये होता है, द वराइटी ऑफ द रिसिप्ट थ्रू विच दे कैन मेंटेन देयर इनकम. बहुत तरह के तरीके होते हैं इसके थ्रू क्या करते हैं, अपनी इनकम को मेंटेन करने का काम करती है. मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट administrators, administrative departments, and it is also to be deducted from the personal income. तो ये जितनी भी receipts होती है उसको क्या करते हैं, personal income में से deduct करने का करते हैं. For the computing the personal disposable income, जब हम क्या करते हैं personal disposable income को calculate करते हैं, it's more हम क्या करते हैं personal income में से direct taxes और miscellaneous expenses जो होते हैं उसको जब डिस्पोज कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं या लेस कर देते हैं, तो हमें पता चलता है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है. टू द फॉर्मूला वी शुड बी अंडरस्टैंड द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस एंड मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट. नाउ आफ्टर दिस वी शुड बी अंडरस्टैंड अबाउट द नेशनल डिस्पोजेबल इनकम. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, so it refers to the disposable income of the country as a whole. मतलब नेशनल लेवल की अगर बात करें तो हमारा जो नेशनल इनकम है उसमें से कितने ऐसे इनकम हो जो कंट्री लेवल पे पूरी तरीके से खर्च किए जाते हैं थ्रू द गवर्नमेंट. कहता हूं ये नेशनल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज एस्टिमेटेड एज द सम टोटल ऑफ द नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन वी शुड बी अंडरस्टैंड अबाउट द नेशनल डिस्पोजेबल इनकम. When we talk about national disposable income, so as you know that the government have a lots of liabilities. On those liabilities, they are expenses, they are spending their lots of money. तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, तो उसका वो एस्टिमेशन कैसे करते हैं. अगर when we are calculating the national disposable income for this, we first of all understand about the national income. हमारे पास national income क्या है उसके बारे में जानना पड़ेगा. And after that, we should be add here the NIT, net indirect taxes, and add the net current transfer from the rest of the world. At least, अगर देखें, तो any individual who have want to be purchase something, तो their capability of their income. कोई व्यक्ति हो, कितने भी लोग जो भी कुछ earn करते हैं या कुछ खरीदना चाहते हैं, तो उनकी जो capability होती है, उनकी income होती है, what they have at time of purchasing के टाइम में उनके पास क्या है, वो क्या करते हैं, उनकी कैपेबिलिटी के बारे में बताने का करता है. इसी तरीके से गवर्नमेंट वांट टू बी डू द सम वर्क लाइक कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन एंड पब्लिक रिलेटेड वर्क, सोशल वेलफेयर वर्क, फॉर दैट इट दे हैव अ मनी और नॉट, तो उनके पास पैसे है या नहीं है जिसके थ्रू वो क्या कर सकती है, उसको खर्च कर देते. इन द सिंपल वर्ड वी अंडरस्टैंड दैट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम रिप्रेजेंटिंग the data capacity of the government through which they can be maintain their plan. ये वो income होते हैं जिसके through वो क्या करते हैं कि अपने plan को maintain करने का काम करते हैं. उनके पास capability जितनी होती है उसी के हिसाब से वो खर्चे को कर सकते हैं, यानी कि खर्च करने की capability उनके पास क्या है. So when we are talking again कि through this formula, first of all we should understand about the national income. National income के बारे में पता भी होना चाहिए. Then add the NIT, net indirect taxes, and after that net current transfer from the rest of the world. When we are included these all, we should find the national disposable income. For today, thanks.